हेलो माइंड रेडियस फैमिली, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी क्योंकि हमारे थॉट से रिलेटेड हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, ज़्यादातर लोग आजकल पीस की तलाश में हैं, शांति की तलाश में। तो आज ये वीडियो 5 पार्ट्स में मैं दूंगी कि हम अपने दिमाग को शांत कैसे रख सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो मेरे पास आते हैं यंगस्टर्स के और प्री एडोलेसेंट लोगों के, एडोलेसेंट के, कि वो प्रोफेशनल्स के, कि हम शांत कैसे रहें, शांत कैसे रहा जाता है। तो मैं अलग अलग टेक्निक्स आपको सिखाऊंगी। आप पहले लाइक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और इसको ध्यान से सुने। लंबी चौड़ी टेक्निक नहीं है, लेकिन आपको अपना टाइम जो है इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा डेली। पहली चीज़, आपको ध्यान रखना है कि आपको एक मंत्रा बोलना है। वो है मंत्रा, बीज मंत्र गणेश जी का, ओम गम, है ना, ओम गम। ये आपको ओम गम ओम गम ओम गम ओम गम जितना आप बोल सकें आप बोलें। आप इसको चलते फिरते, आप ड्राइव करते हुए, आप कभी भी बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इस पर ध्यान लगाना, लेकिन ये मंत्रा जब आप चैंट करते रहेंगे तो आपके थॉट्स चैनल होते जाएंगे। वो कैसे होंगे मैं आपको समझाऊंगी, बट क्योंकि ये गणेश जी का बीज मंत्र है, कम्युनिकेशन से जिनका रिलेशन है, थॉट से जिनका रिलेशन है, तो हमें यह मंत्र चैंट करना है और जानना है कि हम कैसे अपने माइंड को रेस्ट दे सकते हैं, पीसफुल स्टेट में ला सकते हैं। थॉट्स आते हैं, लगातार आते ही जाते हैं, आपने देखा होगा स्ट्रीम ऑफ थॉट्स आते जाते हैं। आप इवन अगर फ़ोन पर भी बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल, दैट वन थॉट जंप्स टू अनदर एंड वन अनदर थॉट जंप्स टू अनदर। आप एक काम करते हैं, अचानक दूसरे काम करने लग जाते हैं क्योंकि दूसरा थॉट आया, दूसरा थॉट टेक ओवर करता है तीसरे थॉट को, एंड यू गेट कन्फ्यूज्ड बिकॉज इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। आपको कन्फ्यूज कर देता है कि आपको इतने सारे थॉट्स कैसे आते, एक घोड़े की तरह दौड़ते हैं, बिकॉज दे आर द थॉट्स कमिंग फ्रॉम योर कॉन्शियस माइंड। जो आपका माइंड अभी जागृत है, लगातार चलता है और अभी चल रहा है जागृत अवस्था में, वो थॉट्स उससे पुल किए जा रहे हैं। एंड द कॉन्शियस ब्रेन इज़ द फ्रंटल लोब, हमारे आगे का जो दिमाग के दो हिस्से होते हैं, दो लेफ्ट कॉर्नर है ना, ये हमारे फ्रंटल लोब्स होते हैं। ये लोब्स कॉन्शियस ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, ये कॉन्शियस ब्रेन होते हैं, फॉर्म करते हैं। ये इसके द्वारा आने वाले जो पुल्ड इन थॉट्स होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं, दैट मीन्स दे आर कंटिन्यूस, देर इज़ अ कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ थॉट्स। कैसे कंट्रोल करें, इनको कैसे रोकें? ओवर थिंकिंग ऐसे ही तो होती है जो कि लेटर ऑन ये प्रॉब्लम आ जाती है, हम एक डिप्रेशन में और लगातार हम स्लीपलेसनेस हो जाती है, बीमारी हो जाती है, और ये कई चीज़ों तक को मैं देखती हूँ। डिप्रेशन एंजाइटी में जाकर बच्चे किस तरह से फंस जाते हैं, रात को देर देर तक जागना और सोना पाना। आपको एक सिर्फ थॉट कंट्रोल कर लेने से आप देखेंगे कि आपका लाइफ कंट्रोल में आ जाता है। सो यू कैन आस्क मी लेटर ऑन कि आप इसके क्वेश्चंस, आप मुझसे 7 दिन को इसको प्रैक्टिस करने के बाद वापस चैनल पर आएं और उसके बाद आप सेकंड वीडियो देखें। अगर आपको लगा कि आपने एक दिन में कंट्रोल कर लिया तो आप दूसरे दिन से ही दूसरी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, नहीं तो ये 5 प्रैक्टिस को हर उसमें से हर एक प्रैक्टिस को 7 डेज दीजिए। बेस्ट लक।